सो डियर फ्रेंड्स, अभी के वीडियो में हम देखेंगे ओप्पो F7 को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं आईफोन एक्स स्टाइल में। तो आईफोन एक्स स्टाइल का लॉन्चर कैसे ला सकते हैं, जो भी थीम्स हो, जो भी आइकॉन्स हो, जो भी लॉक स्क्रीन का हो, कंट्रोल सेंटर हो, बिल्कुल आईफोन एक्स की तरह वर्क करेगा। तो अभी मैं वो आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके बने रहिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसके लिए हम प्ले स्टोर पर जाएंगे। तो प्ले स्टोर पर जाते ही यहाँ पर गूगल प्ले पर आपको टाइप करना है आई लॉन्चर फॉर iOS 11। तो उसके बाद जस्ट सर्च कीजिए। देखिए यहाँ है आई लॉन्चर फॉर iOS 11 बाय लॉन्चर डेवलपर। ऐसे ढेर सारे एप्लीकेशंस है, कुछ वर्क होते हैं कुछ नहीं, लेकिन ये वाला एप्लीकेशन बिल्कुल वर्क हुआ है, तो इसलिए मैं टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इन्होंने कुछ पे नहीं किया है मुझे दिखाने के लिए, बताने के लिए, तो मैंने टेस्ट किया है। तो टेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ये वाला लॉन्चर बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क होता है। तो देखिए जस्ट आपको टैप करना है आई लॉन्चर फॉर iOS 11 को। तो यहाँ पर आप इंस्टॉल करके प्रेस कीजिए। यहीं पर वो परमिशन पूछ लेगा कि ये सारा एक्सेस करना चाहता है, तो एक बार एक्सेप्ट करके टैप कर दीजिए। तो उसके बाद इंस्टॉल होने देते हैं इसको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बने रहिए दोस्तों। बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस बना रहा हूँ, DSLR टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स, ओप्पो F7 का हो, वीवो V9 का हो, और ऐसे बहुत सारे मोबाइल का। तो सब्सक्राइब करके बने रहिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। तो ये रहा आई लॉन्चर फॉर iOS 11। ये इंस्टॉल होने के बाद यहाँ से ओपन नहीं, हम इसको पहले होम जाएंगे, तो फिर यहाँ से एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे। आई लॉन्चर करके रहेगा, तो एक बार टैप कीजिए। सबसे पहले आपको टैप करना है टैप फुल स्क्रीन डिस्प्ले, देन टैप ऑन ओके। तो यहाँ पर देखिए ये रहा आई लॉन्चर। यहाँ पर रिक्वायर्स रीड SMS ये सारा, तो इसको सभी हम अलाउ कर देते हैं। तो अलाउ करने के बाद ये रहा डायरेक्टली iOS 11 का लॉन्चर आईफोन एक्स की स्टाइल में। तो जस्ट स्लाइड अप करेंगे तो कंट्रोल सेंटर है, बिल्कुल फ्लॉलेसली वर्क होता है कंट्रोल सेंटर। ब्राइटनेस का देखिए कितना स्मूथ से वर्क होता है। साउंड वॉल्यूम को यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, तो बिल्कुल वर्क होता है ऐसा। तो इवन ऑटो ब्राइटनेस है, तो ये सारा चीज़ यहाँ से आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। लॉन्चर का सेटिंग भी है, अगर आप लॉन्चर से एड्स नहीं पाना चाहते हैं तो अराउंड 130 रुपीज़ होगा। एक बार पे कर दीजिए इस एप्लीकेशन डेवलपर को, देन आपको बिल्कुल एड्स नहीं आएंगे, बिल्कुल परमानेंटली आपका यही लॉन्चर हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए ये इंस्टॉल करने के बाद जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑलरेडी आईफोन एक्स का लुक, इवन वॉलपेपर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर मैं होम टैप करता हूँ तो फिर से ओप्पो F7 का आने लगता है। तो इस लॉन्चर को आपको पहले डिफ़ॉल्ट करना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट करने के लिए सेटिंग्स पर जाए यहाँ, तो सेटिंग्स पर जाते ही ऐप मैनेजमेंट टैप करना है एक बार। तो यहाँ से थोड़ा हम ब्राइटनेस को कम करेंगे। तो ऐप मैनेजमेंट में डिफ़ॉल्ट ऐप मैनेजमेंट है, इस पर टैप कीजिए। होम स्क्रीन है, तो होम स्क्रीन डिफ़ॉल्ट को हम चेंज करके अभी आईफोन लॉन्चर पर टैप करके चेंज होम स्क्रीन पर टैप कीजिए। तो अभी देखिए जब भी मैं होम बटन टैप करता हूँ तो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट लॉन्चर बन चुका है। तो ऐसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ओप्पो F7 का डिफ़ॉल्ट लॉन्चर को चेंज करके आईफोन एक्स स्टाइल का लुक दे सकते हैं। बिल्कुल स्लाइड अप करेंगे तो फिर से कंट्रोल सेंटर है, एंड यहाँ पर देखिए आइकॉन सभी ऑब्जर्व कीजिए, आइकॉन पैक भी आ चुका है। और कुछ अलग एप्लीकेशंस है वो इंस्टॉल करके आप सिर्फ आइकॉन पैक को इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर सपोर्टेड नहीं आइकॉन, वो वाला भी आप आइकॉन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी बहुत ही अच्छी तरह से वर्क होता है ये, तो यही आप इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर देखिए ऐप्स टैप करता हूँ तो सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर है विथ आईफोन एक्स लुक, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, जस्ट आप स्वाइप डाउन ऐसे करेंगे तो होम स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन कौन सा चाहिए वो वाला प्लेन होम स्क्रीन भी रख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इससे पहले आपको ये वाला नेविगेशन जेस्चर जो है वो उसको हाइड करना पड़ता है। तो हाइड करने के लिए हम सेटिंग्स पर जाएंगे, तो सेटिंग्स पर जाते ही यहाँ पर स्मार्ट एंड कन्वीनियंट नेविगेशन कीज है, तो यहाँ से आप वर्चुअल नेविगेशन कीज कैन बी हिडन करके इसको एनेबल कीजिए। तो एनेबल करने से यहाँ पर एक छोटा सा आइकॉन दिखाई देगा, तो इस आइकॉन को जब भी आप टैप करेंगे तो देखिए बिल्कुल चला गया अभी। तो फिर से हम होम पर टैप करेंगे, तो अभी देखिए यहाँ से आपको हाइड कर सकते हैं ऐसे नेविगेशन, तो बिल्कुल फुल होम स्क्रीन आईफोन एक्स का लुक मिल रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए जस्ट आप ऐसे स्वाइप डाउन करेंगे तो होम स्क्रीन जाएगा, स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ से सेटिंग्स पर टैप कीजिए। एक बार पैटर्न देना है आपको कुछ नंबर, तो यहाँ से आप बिल्कुल एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। तो हाइड करने के लिए जस्ट टैप करना है, तो कोई भी एप्लीकेशन आप अगर हाइड करना चाहते हैं तो उसको एक बार टैप कीजिए
और ओके, तो क्रोम है, तो क्रोम अभी ऐप हाइड हो चुका है, तो जस्ट अभी बैक जाएंगे तो कहीं पर भी आपको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए क्रोम एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। तो फिर से आपको क्या करना है, स्लाइड अप ऐसे, तो सेम पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद देखिए यहाँ पर क्रोम है, तो बिल्कुल यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं इस आईफोन एक्स लॉन्चर में, बहुत ही अच्छा है। देखिए अभी फुल नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं ऐसे लॉक करके स्क्रीन को लॉक करूँगा, अभी इसको ओपन करूँगा, तो बिल्कुल अभी ओप्पो का ही डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है, तो इसको भी अभी हम चेंज करना है हमें। तो उसके लिए फिर से प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाते ही आपको इंस्टॉल करना है लॉक स्क्रीन आईओएस का। तो लॉक स्क्रीन आईफोन एक्स, तो ऐसे आप लिखिए यहाँ पर, आपको लॉक स्क्रीन आईफोन एक्स स्टाइल बाय लोमो स्टूडियो करके है, तो लोमो स्टूडियो वाले ने डिज़ाइन किया है, बहुत ही अच्छी तरह से वर्क होता है, लेकिन कुछ फ्लॉ भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए अभी इंस्टॉल करके टैप करेंगे तो अभी इंस्टॉल होगा वो, तो लॉक स्क्रीन सेपरेट से इंस्टॉल करना पड़ता है। वो वाला था लॉन्चर, तो लॉन्चर को हमने डिफ़ॉल्ट बनाया, उसके बाद लॉक स्क्रीन है अभी, इसको इंस्टॉल किए। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से ओपन कीजिए, लेट स्टार्ट, तो परमिशन देना पड़ता है, तो परमिशन देना है। यहाँ से आई लॉन्चर है तो इसको एक बार परमिशन, फ्लोटिंग विंडोज़ मैनेजमेंट का और फोन एक्स लॉन्चर दोनों को दीजिए। नेक्स्ट बैक लेना है, ग्रांट परमिशन टू मॉडिफाई सेटिंग, यहाँ से अलाउ करना है। फिर से बैक, ग्रांट परमिशन टू एक्सेस लोकेशन, ग्रांट एक्सेस टू नाउ, अभी देखिए इसको अलाउ करना है लॉक स्क्रीन म्यूजिक को एंड लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन को अलाउ करना है। उसके बाद बैक जाना है, ग्रांट एक्सेस टू कैमरा अलाउ एंड कंग्रेचुलेशंस, लेट स्टार्ट। ये वाला एक्टिवेट लॉक, यहाँ पर भी एड्स है, तो यहाँ पर भी एड्स आने लगते हैं, तो अगर आप एड्स रिमूव करना चाहते हैं तो डेवलपर को पे कर दीजिए, तो बिल्कुल एड्स चला जाएगा। तो ये वाला एक्टिवेट लॉक करके रहना है, यहाँ से आप कुछ कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी भी बना सकते हैं अगर डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करना चाहते हैं। तो ये सारा चीज़ करने के बाद अभी वी आर सेट, अभी देखिए मज़ा। तो लॉक करेंगे इस मोबाइल को, अभी अनलॉक करूँगा, तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर दिया है, इसको भी अगर निकाल देंगे तो डायरेक्टली ये वाला आ जाएगा। तो ये वाला देखिए आईफोन एक्स स्टाइल का लॉक स्क्रीन, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सिमिलर लुक है। तो अभी जस्ट स्वाइप डाउन करूंगा तो कंट्रोल सेंटर आता है, बिल्कुल सभी वर्क होता है यहाँ पर। ब्राइटनेस एडजस्टमेंट है, यहाँ से कर सकते हैं, वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, कैलकुलेटर, टॉर्च, सारा चीज़ बिल्कुल वर्क होता है। देखिए टॉर्च को ऑन किया तो टॉर्च ऑन हुआ, तो ऐसे बिल्कुल ठीक से वर्क होता है। स्लाइड अप करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे तो फ्लैश ऑन होता है, ऐसे करेंगे तो ऑफ होता है, तो बिल्कुल वर्क होता है बहुत ही अच्छी तरह से। तो इसको जस्ट स्वाइप अप करता हूँ तो अगेन वी आर बैक ऑन दी आईफोन एक्स लॉन्चर, तो अभी कंप्लीट हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि लॉक स्क्रीन में पर्टिकुलरली, यहाँ से अगर आप जाके सारा ऐप्स जब भी क्लोज करते हैं ना, तो यूजुअली ऐसे टैप कर देते हैं, तो क्लोज्ड फाइव ऐप्स करके हैं, तो अभी एक्चुअली यहाँ पर देखिए आई लॉन्चर है, तो ये भी हम निकाल देंगे। तो देखिए फिर से अभी क्या होता है, अगर लॉक करके अनलॉक करता हूँ तो बिल्कुल ओप्पो F7 का आईफोन का बिल्कुल चला गया। तो इसको क्या करना है, आपको आईफोन एक्स का लॉक स्क्रीन हमेशा रखने के लिए, तो अभी इसको एक्टिवेट करेंगे हम, फोन एक्स लॉकर, एंड यहाँ पर एक्टिवेट हमने कर दिया। तो एक्टिवेट करने के बाद बिल्कुल बैक जाके यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के बाद अभी देखिए आईफोन एक्स का लॉक स्क्रीन, तो ऐसे आपको वो लॉक करके रखना है हमेशा, अगर आप आईफोन एक्स का लॉक स्क्रीन चाहते हैं तो। बाकी सारा ठीक से वर्क होता ही है। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं आईफोन एक्स का लुक ओप्पो F7 में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अगर है तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करके बने रहिए दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना बाय बाय।